हाय गाइज, वेलकम बैक आवर गेमिंग चैनल जेस प्रो गेमिंग। सो गाइज, आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे हाउ टू डाउनलोड लीजेंड आर्केस इन मोबाइल। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं और ऑल पर क्लिक करें, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिले। उससे पहले हम आपको लीजेंड आर्केस का 1 GB रोम खेल के दिखाते हैं कि उसमें क्या होता है क्या नहीं, वो GBA हैक वर्जन जो होता है। तो सबसे पहले हम आपको GBA वर्जन दिखाना चाहते हैं। और मैंने आपको बहुत सारे यूट्यूबर्स की वो देखने मना कर दी थी वीडियोस। मैंने क्यों मना करी थी, क्योंकि मैंने 1.5 GB अपना ख़राब कर दिया है कल का उसी के अंदर 1.5 GB, क्योंकि उन्होंने मैंने देखा इतने सारे यूट्यूबर्स ने डाल रखी है लीजेंड आर्केस मोबाइल में डाउनलोड करो पूरा वो और वो पीस। तो मैं आपको वो बताने जाऊँगा, लेकिन उनमें से कोई भी सही नहीं निकला। नेट ख़राब हुआ लेकिन किसी काम का नहीं, वो चल ही नहीं रहा। और एक व्यक्ति ने तो बंदे ने नेट ख़राब करवाया, सब कुछ करवा दिया, फिर उसके बाद लास्ट में ये देख सकते हो ये GBA हैक वर्जन स्टार्ट हुआ। और मैं उसी का गेम प्ले दिखा रहा हूँ कि GBA हैक वर्जन में क्या है क्या नहीं। हाँ, तो जैसी बात चली थी GBA हैक वर्जन की, तो आज हम उसका ही गेम प्ले दिखाएंगे कि GBA हैक वर्जन में या फिर बाकी गेम फ्री GBA वो गेम्स में क्या फ़र्क है। मेरे हिसाब से तो कुछ फ़र्क नहीं दिखा, बस कुछ पोकेमोन्स का या फिर कुछ उसका ही फ़र्क है, थोड़ी बहुत चीज़ों का, वरना बिल्कुल सेम गेम है। तो आपको GBA वर्जन अगर मैं रिकमेंड करना चाहूँ तो आप लीजेंड आर्केस का GBA वर्जन डाउनलोड मत करना, क्योंकि लीजेंड आर्केस का GBA वर्जन बिल्कुल ही दूसरे वर्जनों की तरह है। जैसे कि हमने एक स्टार्ट करा था एमराल्ड वर्जन, तो ये थोड़ा बहुत एमराल्ड वर्जन वो, और बाकी कह सकते हैं सीनो वर्जन का, ब्लैक एंड वाइट वर्जन का थोड़ा थोड़ा मिला के इसमें GBA वर्जन बना रखा है। और GBA वर्जन मुझे अच्छा नहीं लगा इसका, उसी का मैं गेम प्ले दिखाऊंगा। और इसमें मैं एक आपको दिखाऊंगा, आप देखो मैंने बॉय क्लिक करा है तो बॉय तो गायब हो गया, बॉय है ही नहीं, बॉय कहाँ चला गया इसमें। तो जैसे कि बात हम कर रहे थे GBA वर्जन में, देख सकते हो आप लड़का अगर चूज करोगे आप इसके लीजेंड आर्केस के GBA वर्जन में, तो आपका ये होएगा। आप देख सकते हैं लड़का गायब हो चुका है, तो हम रीसेट करेंगे लड़का ना चुनकर, हम लड़की को ही एज अ प्लेयर चुनेंगे। और फिर उसका नाम रखने की बात आएगी, तो नाम तो हम कुछ भी रख देंगे, लेकिन इसमें अगर इसके GBA वर्जन में आप अगर लड़के को बॉय को ट्रेनर चुनते हो, तो फिर बॉय इसमें गायब हो जाता है बिल्कुल, मिस्टर इंडिया बन जाता है वो, और वो बिल्कुल गायब रहता है पूरे गेम में। तो अगर आपको पूरा गेम सही से खेलना है ट्रेनर को देखते हुए, तो फिर आपको एज अ गर्ल ही चुनना पड़ेगा। या इसका ग्लिच है या ये पता नहीं ठीक होएगा नहीं होएगा, लेकिन वो बहुत समय हो चुका है GBA वर्जन को आए हुए, तो फिर पता नहीं इसका ग्लिच क्या है क्या नहीं, अभी तक तो ठीक हुआ नहीं है। तो उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं आपको, और इसका थोड़ा बहुत दिखाने वाले हैं कि इसमें कौन कौन से पोकेमोन हैंगे। सो गाइस, जैसा कि हम इसमें आपको GBA वर्जन के बारे में बता रहे हैं, तो GBA वर्जन में आप देख सकते हैं लड़का हमने फिर से गलती से चुन लिया, और गलती से चुनने की वजह से आपको पता ही है आगे इनविजिबल होना, और इनविजिबल होने के मिस्टर इंडिया ना बनते हुए हम दोबारा से गेम को रीसेट करते हुए एज अ ट्रेनर गर्ल्स को चुनते हैं, क्योंकि इसमें जो गर्ल्स ट्रेनर है वो मिस्टर इंडिया नहीं बनती, वो मिसेस इंडिया नहीं बनती है, क्योंकि गर्ल्स है तो वो मिसेस इंडिया ही बनेंगी, मिस्टर इंडिया तो बनेंगी नहीं। तो इसी के साथ अब हम थोड़ा हल्के वो क्लिक करेंगे कि हम गर्ल्स को चुन पाए। तो ऐसा गर्ल हमने ट्रेनर चुन लिया है, और ना चाहते हुए भी हमें गर्ल को ट्रेनर चुनना पड़ रहा है, क्योंकि इसका ये हम मिस्टर इंडिया के साथ तो खेल नहीं सकते हैं, तो हम मिसेस इंडिया चुन रहे हैं। तो नाम की बात आई, तो नाम मुझे पता नहीं है क्या रखें, तो ज़्यादातर गर्ल्स का फेवरेट कलर होता है पिंक, तो हम इसमें नाम भी इस पिंक ही रख देते हैं। बाकी कुछ और नाम सजेस्ट करना हो तो कर सकते हैं। और वैसे लीजेंड आर्केस जैसे कि मैंने आपको बताया था, अब आगे देखने के बाद मैं आपको केवल इतना ही आगे जाने के बाद इतना ही मैं आपको तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था, मैं आपको लीजेंड आर्केस GBA वर्जन बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा। और आप सोच रहे होगे कितनी बकवास कर रहा है वो, बात करी थी इसने लीजेंड आर्केस HD 4K ग्राफिक्स में दिखाने की, लेकिन ये तो बकवास पे बकवास करे जा रहा है। तो सिंपली आपको गाइस बता दूँ मैं,
कि वो आरकेएस हम सेकंड पार्ट में देखेंगे, क्योंकि गाइस जैसे कि हमने 4 आवर का वॉच टाइम हमने एक एम रखा था, और वो एम हमने आपको बहुत साल पहले बताया था। बहुत साल क्यों बता रहा हूँ मैं, क्योंकि लगभग उसे मैंने 2021 में बताया था, लेकिन आप वीडियो को स्किप करके देखते रहते हैं, जो बिल्कुल ही सही बात नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप वीडियो को बिना स्किप करके देखें, जिससे हमारा 4 आवर का वॉच टाइम कम्प्लीट हो, और मंडे शाम 6 बजे तक हमारा क्या एम है, 850 सब्सक्राइबर का। तो इतना आप आई होप कंप्लीट हो ही जाएगा, आई होप बोलने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि आप कर ही देते हो। ठीक है, इसी के साथ अब हम आपको दिखाते हैं, और हमें पता है यही होगा मिस्टर प्रोफेसर ओक हुए या फिर कोई भी है, मुझे तो ओक ही दिखे हैं। और फिर इसी के साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी हमसे बात करने को तैयार नहीं है, और शायद प्रोफेसर ओक भी भागे हुए हैं। देखते हैं इन दोनों से कोई प्रोफेसर नहीं है, अगर हैंगे तो ठीक है, वरना फिर हम भी भाग जाते हैं जंगल की ओर। और फिर हम आपको लीजेंड आर्कियस, तो आप देख रहे हैं धीरे धीरे हम आपको दिखा रहे हैं, ये चल रहा है। अब हम जंगल की ओर जाएंगे तो प्रोफेसर ओक आके हमें रोकेंगे, नहीं बेटा क्यों जा रहे हो, नहीं बेटा क्यों बोलेंगे, बेटी बोलेंगे कि क्यों जा रही हो जंगल की ओर। देखो अब वो प्रोफेसर पूछ रहे हैं हमसे कि बेटा क्यों जा रही हो, पहले पोकेमोन तो ले लो तब जाके जाना, वरना कहीं कोई पोकेमोन तुम्हें कहीं और ही पहुंचा दे। तो स्टार्ट करते हैं, अब हम अपना पोकेमोन चुनेंगे, और पहला जोन सा भी पोकेमोन हमें मिल जाए हम उसी को चूज़ कर लेंगे। हम देखेंगे नहीं कोई सा कौन सा है या फिर कौन सा नहीं, क्योंकि एक पोकेमोन से ही हमें पता चल जाएगा कि कौन कौन सा पोकेमोन होने वाले हैं इसके अंदर। और लेजेंड आर्केस में ये बात है कि हम सबसे पहले खुद अपना पहले से हम चुनेंगे, फिर उसके बाद हमारा ओपोनेंट गैरी पोकेमोन को चुनेगा। हाँ तो गाइज जैसे कि हम बता रहे हैं, हम केवल कोई सा भी पहला पोकेमोन आ जाए उसी को चुनेंगे, और उसमें भी पहले में हमने एक वो सोच लिया है कि बीच वाले पोकेमोन को चुनेंगे, और बीच वाला पोकेमोन जोन सा होने वाला है उसी को हम चुनने जा रहे हैं। और बीच वाला कौन सा होएगा, और ये लो जो जैसा सोचा था, इसके अंदर सीनो ब्लैक एंड वाइट जोटो सबके पोकेमोन मिलेंगे, और आई थिंक दूसरा पोकेमोन रोलेट होना चाहिए, और गैरी भी शायद रोलेट को ही चुनेंगे। हाँ हमसे एज से बड़ा है शायद गिरी, या फिर एज के बराबर का है, हाइट में तो बड़ा है ना, तो बड़ा ही होता है, हाइट में हो या किसमें भी हो। तो गिरी ने रोलेट को चुन लिया, देखा गाइस मैंने बताया था, मैंने पहले ही बता दिया आपको रोलेट को चुनने वाला है, बहुत बढ़िया। तो देख लिया है हमने, और ये था GBA वर्जन, और मैं GBA वर्जन आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, आप मत खेलिएगा GBA वर्जन को, ठीक है गाइस। और अब हम चलते हैं कि कैसे पोकेमोन को डाउनलोड करें लेजेंड आर्केस को। हाँ तो गाइज मेरा नेक्स्ट टॉपिक जो होने वाला है, हाउ टू डाउनलोड लेजेंड आर्केस पोकेमोन लेजेंड आर्केस। ये अभी का आया हुआ सबसे बेहतरीन गेम है, और पहले के गेम से भी, और ये इसके द पोकेमोन कंपनी निंटेंडो स्विच द्वारा बनाई गई गेम है, और आज हम आपको यही दिखाएंगे कि पोकेमोन लेजेंड आर्केस को हम कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। गाइज वैसे आप सोच रहे होंगे कितनी बकवास कर रहा है, लेकिन 4 आवर का वॉच टाइम कंप्लीट करना है, तो गाइज प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप करे देखे। और कुछ वीडियोस मैं आई बटन में आपको दे रहा हूँ, क्योंकि वो मेरी इस मंथ में सबसे बेहतरीन यानी कि सबसे ज़्यादा ग्रो करने वाली वीडियोस हैं, उन्हें भी आप जाके देख सकते हैं। हमने 4th जिम बैटल भी जीत लिया है, 5th जिम बैटल भी जीत लिया है, तो आप उन्हें देख सकते हैं, आई बटन में वीडियोस आ रही होंगी बहुत सारी, तो आप ऐसे जाके उन वीडियोस को चेक कर सकते हैं। और अब हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं, लेजेंड आर्केस। गाइज आप सबको पता ही होगा द पोकेमोन लेजेंड आर्केस, मैंने दरअसल ये टॉपिक उठाने वाला नहीं था अपने चैनल पे, लेकिन ये टॉपिक मैंने पता है क्यों उठाया, क्योंकि मैंने एक दिन सर्च करा हाउ टू डाउनलोड पोकेमोन लेजेंड आर्केस, तो तभी उसी के अंदर एक सर्च ऑप्शन सर्च बार जो उसके अंदर ही इन एंड्रॉयड आया, मैंने मज़े में उस पर क्लिक कर दिया, और इतनी सारी वीडियोज़ आ गई इन एंड्रॉयड पे, तो मैंने सोचा कि ये एक पीसी गेम को एंड्रॉयड में कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे मुझे पता था कि पीसी गेम को एंड्रॉयड में डाउनलोड नहीं कर सकते हैं, और ये मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ कि पीसी गेम को एंड्रॉयड में डाउनलोड नहीं कर सकते हैं, लेकिन तब भी मैंने एक था जिस पे सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर थे, और उस पर ही सबसे ज़्यादा व्यूज़ थे उसके, तो मैंने सोचा चलो ठीक है ये इसने कुछ तो बताया होगा। मैंने उसका पूरा प्रोसेस देखा, और बिल्कुल ऐसे ही प्रोसेस सब कुछ करते हुए मैंने वो स्टार्ट करा, लेकिन गाइज वो गेम नहीं चला, सब कुछ फेक था, वो बीच में ही वो हो गया।
और फिर इतना ही नहीं, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ मैंने आपको वो देखने को मना क्यों करा था, दूसरे लोगों की वीडियोस, दूसरे यूट्यूबर्स की वीडियोस मैंने देखने को मना करा था, क्योंकि वो ये नहीं बताते हैं जैसे मैं बता रहा हूँ कि ये गेम डाउनलोड ही नहीं हो सकता है, क्योंकि ये पीसी गेम है और पीसी गेम कभी भी मोबाइल में डाउनलोड नहीं हो सकता। हाँ, इसका जीबीए हैक रोम वर्जन है जो कि आप मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन उसमें इतना मज़ा नहीं है जितना उसमें वो लीजेंड आरकेएस को पीसी में खेलने में मज़ा है। आप देख सकते हैं कितनी अल्ट्रा एचडी ग्राफिक्स है गाइज, ये लीजेंड आरकेएस, पोकेमॉन लीजेंड आरकेएस को आप मोबाइल में डाउनलोड नहीं कर सकते हो, मैं केवल इतना ही। मुझे पता है कि आप थोड़ा उदास हो गए, इसलिए मैंने इसका जीबीए हैक रोम वर्जन पहले दिखाया है। अगर आपको वो थोड़ा पसंद आया हो तो कमेंट कर सकते हैं कि इसे हाँ डाउनलोड करना सिखाओ, तो मैं एक वीडियो ले आऊँगा इसकी, लेकिन मेरे हिसाब से आपको नहीं करना चाहिए क्योंकि आपका टाइम वेस्ट होएगा और नेट वेस्ट होएगा, बाकी किसी काम का नहीं है। और जैसा कि मैं बता रहा था, और मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि केवल मुझे व्यूज़ मिले, मेरा वॉच टाइम बढ़े, मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको सही इन्फॉर्मेशन मिले। अब जैसे कि पोकेमॉन लेट्स को पिकाचू था, पोकेमॉन लेट्स को पिकाचू के लिए जो हमने कंसोल कंट्रोलर दिखाया था उसी के द्वारा उसे खेला जा सकता है, लेकिन लोगों ने क्या आप मोबाइल में खेल सकते हो, मोबाइल में खेल सकते हो, उन्होंने तो बिना फालतू के व्यूज़ पा रखे हैं, लेकिन आपका कुछ काम हो नहीं रहा है। और क्या है, बहुत से लोग तो कमेंट कर देते हैं लेकिन डाउनलोड नहीं करते हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, इसी को देख के और भी लोग डाउनलोड करने की कोशिश करते हैं लेकिन हो नहीं पाता है। तो उसी तरह जैसे वो पोकेमॉन लेट्स को पिकाचू मोबाइल में नहीं चल सकता है, वैसी ही आपका ये जो है पोकेमॉन लीजेंड आरकेएस ये भी मोबाइल में नहीं चल सकता है। इसके लिए आपको पीसी गेम है, और पीसी गेम जब पोकेमॉन लीजेंड आरकेएस पूरी तरीके से मतलब आ जाएगा और वो हो जाएगा, अगर आप खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं और फिर जाके अपने कंप्यूटर में खेल सकते हैं। लेकिन वो अगर मैं देखा जाए तो फिर हम नेक्स्ट टॉपिक बताने वाले हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है गाइस किस पे, टॉप 5 पोकेमॉन गेम्स जिनके नाम अलग हैं, पोकेमॉन्स उसमें अलग हो सकते हैं लेकिन वो बेस्ट पोकेमॉन गेम्स हैं प्ले स्टोर के, जो प्ले स्टोर पर अवेलेबल हैं, और वो वाले नहीं बताऊंगा जो हाल ही में है, हमेशा से जो बिल्कुल परफेक्ट चल रहे हैं ना, क्योंकि हाल ही में आए हुए क्या क्या होता है वो हो जाता है, समझ सकते हो। बाकी मैं टॉप 5 देखने की कोशिश करूंगा, और इसी के साथ मैं बताना चाहता हूं आपको कि जितने भी ये ऐसे यूट्यूबर हैं जो आपको पोकेमॉन लीजेंड आरकेएस आपको मोबाइल में डाउनलोड करवाएंगे ये सब, तो आप उन सब से बच के रहिएगा, क्योंकि पोकेमॉन लीजेंड आरकेएस, लेट्स गो पिकाचू, लेट्स गो ईवी, ये पीसी में सॉरी लेकिन ये पीसी में ही चलता है, ये मोबाइल में नहीं चल सकता है, बस मुझे इतना ही कहना था। और लेकिन अगर आपको लगता है कि ये मोबाइल में भी चल सकता है तो आप डायरेक्टली इस वीडियो को एग्जिट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब